नववर्ष के मद्देनजर शराब तस्करी को रोकने और बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सरकार के आदेश के बाद पुलिस सख्त हो गई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन ना चलाएं। इसके बावजूद भी लोग फर्राटे से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में सहायक उप निरीक्षक पवन शर्मा ने पुलिस बल के साथ पोहरी शोपुर रोड पर वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही लोगों को हिदायत दी गई है कि बिना हेलमेट वाहन ना चलाए। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, हेलमेट से चालक की सुरक्षा है। सर, नए वर्ष को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए, पोहरी थाना लगातार परिपालन में ये वाहन चेकिंग शुरू की गई है, और इसमें क्या क्या चेकिंग की जा रही है और सर क्या कुछ निर्देश? इसमें बिना हेलमेट के वाहन चलाने की चेकिंग है और बिना सीट बेल्ट के है, लोगों के द्वारा शराब पी के वाहन चलाने की है। नए साल में लोग शराब पी के वाहन चलाते हैं, इस संबंध में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कोई शराब तो नहीं ले जा रहा है, कोई शराब पी के वाहन तो नहीं चला रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके हिसाब से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सर, शांति बहाली के लिए होटल और ढाबों की भी जांच के आदेश हुए हैं? होटल ढाबों की चेकिंग की जा रही है, होटल ढाबे भी चेक किए गए हैं। होटल ढाबे वालों को समझाइश भी दी गई है कि शराब वगैरह की पार्टी आर्टी इस तरह की आयोजन ना करें। यदि आयोजन करना है तो SDM साहब और कलेक्टर साहब से अनुमति प्राप्त करें उसके लिए। सर, ये चेकिंग कब तक चलती रहेगी? ये चेकिंग आज पूरी रात भर चलेगी, 12-1 बजे तक चलेगी ये चेकिंग, और कल सुबह फिर